जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा के 12वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। राजा कार्तवीर्य कहते हैं, हे भगवान, आपने जो कहा कि एक माघ के स्नान से विकुंडल पाप रहित हो गया और दूसरे माघ स्नान करने से वह स्वर्ग गया, इस इतिहास को मुझसे विस्तार से कहिए। तब भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, जल को नारायण कहा जाता है क्योंकि जल स्वभाव से निर्मल, पवित्र, सफेद, मलनाशक, द्रावक और दहनाशक होता है। वह सभी प्राणियों को तारने वाला, पुष्ट करने वाला और जीवन देने वाला है। जिस प्रकार सभी ग्रहों में सूर्य, सभी नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी तरह से सभी महीनों में माघ का महीना श्रेष्ठ माना जाता है। माघ के महीने में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उस समय जल में स्नान करने पर पापी तक स्वर्ग को पा जाते हैं। ऐसा योग दुर्लभ होता है। यदि पूरे माघ महीने स्नान करना संभव ना हो तो केवल 3 दिन तक स्नान करें। जो प्राणी असमर्थ हो, वह दरिद्रता को नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार माघ के महीने में दान करें। इससे प्राणी की आयु में वृद्धि होती है। मकर राशि में सूर्य के आने से चंद्रमा की कलाओं की भांति पुण्य बढ़ता है। प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि मनोवांछित फल की कामना के लिए माघ स्नान को अवश्य करें। जो विधि पूर्वक माघ स्नान करते हैं, उनके नियम मैं तुम्हें बताता हूँ। व्रत करने वाले को खाद्य पदार्थ त्याग देने चाहिए, पृथ्वी पर शयन करें, यज्ञ और तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करें, अखंड दीपक जला लें और अन्न दान करें। वेद ज्ञानी ब्राह्मण को स्वर्ण वस्त्र दान करते रहें। माघ मास का अंत होने पर एकादशी उद्यापन करें। उन्हें चाहिए कि भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। हे गोविंद, हे अविनाशी देव, हे माधव, मुझको माघ स्नान का पूर्ण फल प्रदान करें, ऐसा कहकर स्नान करें। वासुदेव, कृष्ण, हरि, मुरारी, माधव आदि नामों का उच्चारण करें। स्नान के लिए यदि तीर्थ का जल प्राप्त न हो तो घड़े में रखे जल से ही स्नान कर लें। अन्य वस्तुओं के साथ अन्नदान करें। ऐसा करने से प्राणी कभी भी नरक में नहीं जाता। जो जल को गर्म करके स्नान करते हैं, उन्हें 6 वर्ष स्नान का, कुएं पर स्नान करने से 12 वर्ष स्नान का, तालाब स्नान करने से उसका दुगना और नदी स्नान से उसका चौगुना, महानदी में स्नान करने से 100 गुना और संगम में स्नान करने से 400 गुना फल प्राप्त होता है। जो माघ स्नान प्रतिदिन करता है, वह 1000 मुद्रा और 1000 गो के दान का पुण्य प्राप्त करता है। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, प्रजापति ने बड़े बड़े पाप नष्ट करने के लिए पर्याग की रचना की है। तीर्थराज पर्याग का महात्म्य बड़ा ही पवित्र है। श्वेत और नील जल के संगम पर स्नान करने से प्राणी के महान पाप भी जल के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी का श्वेत जल और यमुना जी का नील जल, सरस्वती जी के श्वेत जल से बना यह संगम महान पुण्य देने वाला है। भगवान विष्णु को प्रयागराज परम प्रिय है। जो प्राणी यहाँ आकर माघ स्नान करते हैं, वे अनेक सुखों को भोगते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो इस संगम जल को स्पर्श मात्र कर लेता है, उसके पुण्यों की गणना तो चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार व्रत का फल केवल 3 दिन माघ मास में संगम में स्नान के बराबर होता है। माघ मास में नित्य स्नान का फल सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 1000 तोला स्वर्ण दान के समान है। माघ में प्रयाग स्नान करने से 1000 राजसूय यज्ञों का फल मिलता है। माघ मास में संसार भर के तीर्थ और सारी नदियां स्नान के लिए आती हैं। त्रिवेणी के जल में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जल का स्नान कुरुक्षेत्र के समान फल देने वाला है। काशी में गंगा स्नान उससे भी अधिक 100 गुना फल देता है। प्रयाग का स्नान काशी स्नान से भी 100 गुना अधिक फल देता है। उत्तर वाहिनी गंगा यमुना का संगम दर्शन मात्र से ही महाफल देता है और उससे ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। संगम स्नान करोड़ों जन्मों के पाप को नष्ट करने वाला है। त्रिवेणी में स्नान करने के लिए माघ महीने में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, आदित्य, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, अणिमादि, सिद्ध, ब्राह्मणी, पार्वती सभी कली काल में गुप्त रूप से स्नान करने के लिए आते हैं। माघ महीने में त्रिवेणी में 3 दिन स्नान का फल अश्वमेघ यज्ञ से भी कहीं गुना अधिक होता है। हे राजन, पापात्मा राक्षस की मुक्ति के लिए कांचन मालिनी ने अपने माघ स्नान का फल उसे दिया था।
राजा कार्तवीर्य पूछते हैं, हे भगवान, ये कांचन मालिनी और राक्षस कौन थे? कृपया उस इतिहास को भी आप मुझसे विस्तार से कहिए। अब भगवान दत्तात्रेय जी ने राजा के इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया, हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज की अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं माघ के महीने में सुनी जाने वाली कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की पक्की भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और पूजा करती, भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाती। बुढ़िया माई माघ के महीने में, कार्तिक के महीने में, वैशाख के महीने में पूरे महीने का स्नान करती, जितना हो सकता सबकी मदद करती। वैसे तो बुढ़िया माई गरीब थी, पर दिल की बड़ी अमीर थी, सबकी मदद दिल खोल कर करती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे की सुख शांति के लिए, उसकी सलामती के लिए रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर एक घी का दीपक जलाती और प्रार्थना करती। लौटते वक्त तुलसी जी की पूजा करती, परिक्रमा करती और आरती करती। बुढ़िया माई का बेटा कुछ छोटे मोटे काम करता था, जिससे उनके घर का खर्चा चलता था। बस इसी तरह दोनों माँ बेटा के दिन कट रहे थे। बुढ़िया माई का बेटा जब बड़ा हो गया, तब बुढ़िया माई ने एक सुंदर सी सुशील सी लड़की देखकर उसका विवाह भी कर दिया। अब बुढ़िया माई के घर में बहू आ गई। बुढ़िया माई के दिन भी आराम से कटने लगे। अभी विवाह को कुछ ही दिन हुए थे कि माघ का महीना आ गया। अब बुढ़िया माई तो माघ मास का स्नान किया करती थी, उसका तो माघ स्नान करने का नियम था। रोज सुबह 4 बजे उठ जाती, नहाती धोती, घर में बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करती, अपने घर के पूजा पाठ को समाप्त करके मंदिर में जाती और वहां जाकर भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाती, बेटे बहू की सुख सलामती की प्रार्थना करती और वहां पर बैठकर माघ मास की कथाएं सुनती। आते वक्त तुलसी जी की पूजा करती, आरती करती और परिक्रमा करती। बस इसी तरह एक दिन दो दिन करते करते 8-10 दिन निकल गए। बुढ़िया माई का इस तरह से सुबह उठकर पूजा पाठ करना बुढ़िया माई की बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि बुढ़िया माई सुबह 4 बजे उठ जाती पूजा करने के लिए। अब घर में खटपट होती तो बहू की नींद खराब होती, और वैसे भी बुढ़िया माई बहू से कहती कि बहू तू भी मेरे साथ उठाकर और माघ मास का स्नान किया कर। माघ मास का स्नान करने से भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन बहू का तो पूजा पाठ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसे तो अपनी सासू माँ की ये बातें बहुत बेकार लगती, बहुत बुरी लगती, और वो चाहती कि मैं थोड़ी देर आराम से सो सकूं। उसने सोचा कि अगर मैं माताजी को ऐसे कहूंगी तो मैं बुरी बन जाऊंगी, माताजी सोचेंगी कैसी बहू आई है। तो उसने अपने पति के कान भर दिए, अपनी मीठी मीठी बातों में अपने पति को उलझा लिया और कहने लगी कि आप सारा दिन कितना काम करते हो, थक जाते होंगे। तो उसका पति बोला, हाँ थक तो जाता हूँ। फिर वो बोली कि लेकिन मुझे दुख तो इस बात का होता है कि आपकी माताजी को इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि आप सारा दिन इतनी मेहनत करते हो, वो आपकी मेहनत की कमाई को ऐसे ही मंदिरों में लुटाती घूमती है। तो बेटे ने पूछा, क्यों ऐसा क्यों कह रही हो? तो वो बोली कि रोज माताजी सुबह मंदिर जाती हैं, घी का दीपक जलाती हैं, अब आप ये बताओ इतनी महंगाई में जब घर का खर्चा ही चलना मुश्किल हो रहा है तो मंदिर में घी का दीपक भला कौन जलाता है? क्या भगवान कहते हैं कि हो ना हो घी का दीपक जलाओ? अब वो कहते हैं ना, सीख तो पत्थर को भी फोड़ देती है। बेटे को तो अपनी पत्नी की सीख लग गई। वो तो अगले दिन सुबह उठकर माँ के पास गया, बैठकर बोला, माँ देखो तो कितनी महंगाई बढ़ गई है। तो माँ बोली, हाँ बेटा बढ़ तो गई है। तो बेटा कहने लगा, माँ अब मेरी जो कमाई है उसमें घर का खर्चा पूरी तरह से चल नहीं पाता। अभी देखो मेरा शादी हो गई तो एक सदस्य बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। अब कल को हमारे बच्चे होंगे तो और खर्चा बढ़ जाएगा। हमें तो अभी से पैसे बचाने के बारे में सोचना चाहिए, फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। तो माँ भी बेटे की बात में सहमति दिखाती रही, कहती रही, हाँ बेटा बात तो तू सही कह रहा है। तो उसने कहा कि माँ अब आप जो है मंदिर जाकर घी का दीपक जलाना बंद कर दो। तो माँ कहने लगी, बेटा तुझे तो पता है कि मेरा तो हमेशा से नियम है कि मैं मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाती हूँ। बुढ़िया माई बोली, बेटा घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु से तेरी सलामती मांगती हूँ, तेरी सुख शांति मांगती हूँ। तो बेटा कहने लगा, माँ इतनी महंगाई है, घी का दीपक मत जलाया करो, तुम तेल का दीपक जला लिया करो। तो माँ ने सोचा कि जिस तरह से घर में सुख शांति रहे, कलह कलेश ना हो, वही काम करना चाहिए। तो बस अगले दिन से बुढ़िया माई तेल का दीपक ले जाने लगी। अब बहू ने सोचा, मैंने तो सोचा था कि इन्हें पूजा पाठ करने को रोकेंगे तो ये रुक जाएंगी, लेकिन ये तो तेल का दीपक ले जाने लगी। बहू की चाल तो काम नहीं आई। उसने दोबारा से अपने पति के कान भर दिए।
तो कहने लगा कि मेरी माँ तो मेरी सलामती के लिए ही भगवान के सामने दीपक जलाती है, तू बेकार की बातें मत कर। लेकिन फिर भी किसी तरह से उसने अपने पति को बुढ़िया माई को पूजा करने से रोकने के लिए मना ही लिया। अब उसने जाकर अपनी माँ से कह दिया कि माँ बहुत महंगाई हो गई है, तुम भगवान के सामने दीपक जलाना बंद कर दो, अगर तुम्हें पूजा करनी है तो ऐसे ही पूजा कर लिया करो। अब माघ का महीना था, वैसे तो बुढ़िया माई पूरे साल ही भगवान के सामने दीपक जलाती थी, लेकिन माघ के महीने में तो विशेष पूजा होती है। अब उसे तो बड़ा दुख हुआ अपने बेटे की बात सुनकर। अगले दिन मंदिर में गई तो भगवान विष्णु के सामने रोए ही रोए, क्योंकि उस दिन उसे उसकी पूजा की थाली में दीपक नहीं था। तो भगवान से प्रार्थना करती रही, रोती रही, कहती रही, हे भगवान आज ही मेरे कैसे दिन आ गए कि मेरी पूजा की थाली में दीपक भी नहीं है। बुढ़िया माई का नियम था, जब तक अपना पूजा पाठ बिल्कुल पूरी तरह से नहीं कर लेती थी तब तक कुछ भी खाती पीती नहीं थी। अब उस दिन बुढ़िया माई का नियम पूरा नहीं हुआ, बड़े दुखी मन से घर आ गई। घर आकर बहू ने खाना लगाकर कमरे में भिजवा दिया तो बुढ़िया माई ने खाना नहीं खाया, क्योंकि नियम पूरा नहीं हुआ था, दीपक नहीं जलाया था भगवान के सामने, तो ऐसे ही भूखी पड़ी रही। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की खिड़की के पास एक कौवा आकर बैठ गया। बुढ़िया माई ने खाने की थाली उसके आगे रख दी। अब कौवा ने पेट भर के खाना खाया, उसके बाद काँव काँव करता हुआ उड़ गया। ऐसे ही करते करते एक दिन, दो दिन, तीन दिन बीत गए। बुढ़िया माई ने तीन दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं था। अब बहू मन में बड़ी खुश हो रही थी कि चलो मेरी चाल काम हो गई, काम कर गई। अब जो है बुढ़िया माई ने घी तेल का दीपक ले जाना बंद कर दिया, लेकिन भगवान विष्णु से अपने भक्त की ये हालत देखी नहीं गई। उसी रात को बुढ़िया माई के सपने में आए और बोले, बुढ़िया माई ऐसे उदास क्यों पड़ी है, भूखी प्यासी क्यों पड़ी है? तो बुढ़िया माई कहने लगी, भगवान आपको तो सब पता है, मेरा दीपक जलाने का नियम है, पूजा पाठ करती हूँ, और अब मैं दीपक नहीं जला पा रही, मेरा नियम अधूरा रह गया। जब तक नियम पूरा नहीं होता भगवान, मैं खाती पीती नहीं हूँ, तो अब नियम पूरा नहीं हुआ तो मैं कैसे खा पी लूं? तो भगवान बोले, चल तू चिंता मत कर, तू रोज की तरह कल से फिर मंदिर आया कर, तेरा नियम मैं पूरा करा दूंगा। जब तू वहां आएगी तुझे एक दीपक रखा मिलेगा, तू उसे जला लिया करना और अपना नियम पूरा कर लिया करना। अगले दिन बुढ़िया माई फिर 4 बजे उठ गई। 4 बजे उठकर उसने घर की पूजा पाठ करी, पहले की तरह थाली सजाकर मंदिर गई। मंदिर जाकर देखा तो वहां सचमुच जैसे भगवान ने कहा था एक दीपक तैयार रखा मिला, घी की बत्ती लगी हुई थी। उसने दीपक जलाया, जैसे पूजा करती थी ऐसे पूजा करी, घर आई बड़ी खुशी खुशी। उस दिन बुढ़िया माई बहुत खुश, क्योंकि नियम पूरा हो गया था। घर आकर बहू ने खाना लगा कर दिया तो खाना भी खा लिया। अब बुढ़िया माई को खुश देखा तो बहू का माथा ठनक गया कि आज ये खुश कैसे हैं, इसका मतलब आज फिर से इन्होंने घी का दीपक जलाया। तो उसने क्या किया, घी तेल के डब्बे उठाए और अलमारी में ताला लगाकर बंद करके रख दिए। अब एक दिन, दो दिन, तीन दिन बीत गए, लेकिन बुढ़िया माई तो फिर भी खुश। अब बहू ने सोचा कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अगले दिन जब बुढ़िया माई मंदिर जाने लगी तो बहू भी पीछे पीछे होली। जाकर देखा तो बुढ़िया माई ने भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जला रखा है। उसका तो माथा खराब हो गया कि मैंने घी तेल अलमारी में बंद कर रख रखा है और फिर भी इन्हें कहाँ से मिल गया। घर आई जल्दी जल्दी और उसने अलमारी खोल के देखा तो डिब्बा आधा हुआ पड़ा है, तो उसको तो माथा खराब हो गया। उसने जाकर अपने पति से कहा कि अब तुम्हारी माँ घर में चोरी भी करने लगी। तो उसका बेटा बोला, क्या बकवास कर रही हो, मेरी माँ घर में चोरी क्यों करेगी? बोली, हाँ चोरी करती है, हमने घी तेल का दीपक जलाने को मना कर दिया तो अब चोरी चोरी घी ले जाकर मंदिर में दीपक जलाती है। तो बेटा बोला, जब तक देखूंगा नहीं तब तक तो मैं नहीं मानूंगा। अगले दिन बेटा बहू दोनों चल दिए। जब बुढ़िया माई मंदिर के लिए चली तो दोनों पीछे पीछे चल दिए। जाकर देखा तो सचमुच में बुढ़िया माई की थाली में घी का दीपक जल रहा है। अब तो बेटे को भी बड़ा गुस्सा आया कि माँ घर में चोरी करती है। वो गया अपनी माँ के पास और जाकर बोला, माँ मैंने तुमसे मना किया था कि इतनी महंगाई में घी तेल का दीपक मत जलाया करो और तुम घर में चोरी कर करके दीपक जलाती हो। अब तो उसकी माँ रोने लग गई, बोली, बेटा मैंने घर में चोरी नहीं की, ये दीपक तो मुझे भगवान विष्णु ने दिया है। तो बेटा बोला कि मैं तो नहीं मानू। जब भगवान ने देखा कि बुढ़िया माई संकट में है, उनका भक्त संकट में है, तो भगवान तुरंत ही मंदिर में प्रकट हो गए और उसके बेटे से बोले कि तू अपनी माँ पर बेकार में शक करता है, तेरी माँ तो सच्चे मन से पूजा पाठ करती है और उसके लिए दीपक का इंतजाम भी मैंने ही किया है। तुम्हारी माँ तो सच्चे मन से माघ मास का स्नान कर रही है और तुम्हारी सलामती के लिए, तुम्हारी सुख शांति के लिए घी का दीपक जलाती है। अब इतनी बात सुननी थी बेटा बहू तो दोनों माँ के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे, हे माँ हमें माफ कर दो, हमसे तो गलती हो गई जो हमने तुम्हारे ऊपर इतना शक किया। अब बुढ़िया माई ने बेटा बहू को माफ कर दिया। बुढ़िया माई अब पहले की तरह रोज घी का दीपक जलाने लगी, घर से घी लेकर आती और दीपक जलाती।
भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के घर में खूब अनधन हो गया। अगले साल जब माघ का महीना आया तब बुढ़िया माई की बहू भी बुढ़िया माई के साथ माघ मास का स्नान करने लगी। भगवान विष्णु की कृपा हुई तो उसे एक सुंदर पुत्र की भी प्राप्ति हो गई। अब तो बुढ़िया माई के घर में खूब अनधन हो गया, खूब सुख शांति हो गई। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे बुढ़िया माई की सहायता की, ऐसे ही कथा कहानी सुनने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना और सबकी सहायता करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुसी जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो,
तुलसी महारानी नमो नमो। बोली तुलसी माता की जय हो।